सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता तथा महत्व के बारे में बात की थी, अगर वो पिछला वीडियो आपने हमारा नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों के बारे में, और ये जो पक्ष हैं तीन, इनके अंतर्गत भी जो है वो वर्गों में विभाजित इनको किया गया है, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो हमने मूल्यांकन पढ़ा, मूल्यांकन जो है हम देखते हैं अलग अलग जो कैटेगरी है होती हैं उनके आधार पर जो है वो किया जाता है, या हम कह सकते हैं जो अलग अलग क्षमताएं होती हैं या अलग अलग जो आकलित करते हैं हम, तो अलग अलग स्तरों पर जो है हम आकलन करके फिर उसके बाद जो है मूल्यांकन करते हैं। तो जो हम आकलन करते हैं वो हमारा बुद्धि, ज्ञान, इन सभी आधार पर भी होता है, मतलब एक फिजिकल ओवरव्यू देखें तो उसके आधार पर भी होता है, या हम कह सकते हैं एक भावात्मक, व्यक्ति के अंदर क्या हाव भाव प्रकट हो रहे हैं उसके आधार पर भी जो है हम मूल्यांकन करते हैं, या हम जो है कौशलों के आधार पर, क्या स्किल्स हैं उन सभी के आधार पर भी जो है वो मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप हैं इनको कैटेगराइज करके जो है मूल्यांकन को जो है वो तीन पक्षों में जो है वो विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला है हमारा संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है हमारा भावात्मक पक्ष, और तीसरा है हमारा कौशलात्मक पक्ष। और इन तीनों ही पक्षों को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो है ये पहला हमारा है हम सीरियल से जानते चलेंगे और उसके बारे में भी जो है वो जानते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञानात्मक पक्ष की, जिसे जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ज्ञानात्मक पक्ष से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के कौन कौन से स्तर हैं, तो इसके अंतर्गत जो पक्ष इसके आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आगे, तो वो हमें लिखने होते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष जो है और संज्ञानात्मक पक्ष वो दोनों ही एक हैं। तो बात करें अगर संज्ञानात्मक पक्ष की, तो शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है करने हेतु ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने जो है वो ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को जटिलता के क्रम के आधार पर विकसित किया है। तो जो ब्लूम है उन्होंने ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को जो है वो वर्गीकृत करते हुए इसका जो जटिलता थी उसको जो है वो छह वर्गों में बांटा है। कौन कौन से हैं संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत वो देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे भावात्मक पक्ष की। तो ये जो है वो छह वर्गों में विभाजित है। शैक्षिक अगर उद्देश्य देखें तो उनका वर्गीकरण हेतु जो है ब्लूम जो थे उन्होंने ही जो है जो ज्ञानात्मक क्षेत्र होता है ज्ञान पर आधारित, जिसे हम संज्ञानात्मक भी कहते हैं, तो उसके उद्देश्यों को जटिलता के क्रम के आधार पर जो है वो विकसित किया था। उन्होंने ही जो है वो इन्हें छः वर्गों में विभाजित किया था। तो पहला है हमारा ज्ञान, जिसे कहते हैं नॉलेज, ये जो है वो स्मृति से संबंधित है। स्मृति मतलब जो हमारी मेमोरी होती है, हम जैसे आपने देखा होगा मेमोरी कार्ड बताते हैं तो उसमें 8 GB, 10 GB, इसी प्रकार एक माइंड की मेमोरी होती है, तो स्मृति पर आधारित जो पहला इन्होंने वर्गीकरण किया था वो था ज्ञान। दूसरे की बात करें तो बोध, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन, इसमें जो है इन्होंने ज्ञान या कह सकते हैं जो सूचनाएं हैं इससे रिलेटेड आपके अंदर कितनी अच्छी समझ विकसित होती है, या आप कहते हैं आपको किसी चीज़ का बोध है, ज्ञान है, तो इस आधार पर जो है इन्होंने दूसरा वर्गीकरण किया था बोध का, इसमें ज्ञान व सूचनाओं से संबंधित अच्छी समझ को जो है वो अंतर्निहित किया था। बात करते हैं तीसरे की, तीसरा है प्रयोग, जिसे एप्लीकेशन कहते हैं। इसमें जो हमने पहला और दूसरा पढ़ा ज्ञान और बोध, उन दोनों का ही ज्ञान हो जाने के बाद जो है वो वास्तविक जीवन में कैसे प्रयोग करें उसके बारे में जो है वो बताया गया है। चौथा है हमारा विश्लेषण, जिसे एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें जो है जो प्राप्त सूचनाएँ होती हैं उसको कह सकते हैं हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण वर्ड आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। अगला है हमारा पाँचवा संश्लेषण, जिसे कहते हैं सिंथेसिस। इसमें जो है वो सीखने वाले का जो है वो व्यवहार इसमें जो होता है वो रचनात्मक होता है, रचना पर आधारित होता है सीखने वाले का इसमें व्यवहार। बात करते हैं लास्ट यानी कि मूल्यांकन, जिसे कहते हैं इवैल्यूएशन। इसमें जो है वो उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो विचार हैं या कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के कार्य हैं या विभिन्न प्रकार की जो विधियाँ हैं या सामग्रियाँ हैं, तो इन सभी का जो है वो मूल्य निर्धारण की बात की जाती है। तो ये जो है वो छः वर्गों में जो है वो विभाजित किया गया है संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष को। चलिए बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा है हमारा भावात्मक पक्ष।
ये जो है वो मूल्यांकन के जो तीन पक्षों में विभाजित किया गया है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक, उसमें जो है वो दूसरे नंबर पर है भावात्मक पक्ष। तो बात करें भावात्मक पक्ष की, तो भावात्मक पक्ष के अंतर्गत जैसे हमारे हाव भाव होते हैं, हमारी रुचि, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ हमें पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल की जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसके कुछ पॉइंट्स। तो भावात्मक पक्ष की बात करें तो भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण क्रॉथवल, ब्लूम तथा मासिया ने जो है 1964 में किया था। ऊपर जो थे वो भी ब्लूम थे, नीचे भी इसमें भी ब्लूम है, तो आपको जो है वो दोनों नाम याद करने में आसानी होगी। या तो आप तीनों नाम याद करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आप ब्लू मार्वल जो है वो याद रख सकते हैं। मार्वल जो है पत्थर जो होते हैं वो लगते हैं फर्शों पे, तो ब्लू मार्वल आप याद रखेंगे तो उससे जो है भावात्मक पक्ष के अंतर्गत ये जो तीनों नाम है वो आप याद रख सकते हैं। देखिए कैसे याद रख सकते हैं, ब्लू से जो है आप याद रखेंगे ब्लूम, मार्बल का जो मा है उससे आप याद रखेंगे मासिया, और मार्बल का जो आखिरी में वल है उससे आप याद रख सकते हैं क्रॉथ वल। तो ब्लू मार्बल से जो है आप भावात्मक पक्ष के जो वर्गीकरण करने वाले ये तीनों नाम थे वो याद रख सकते हैं। आगे बात करें तो इसमें वे सभी शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भावात्मक पक्ष के अंतर्गत उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये सारी चीज़ें आती हैं। तो रुचि, अभिरुचि तथा संवेगो, इंग्लिश में बात करें तो इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड इमोशंस से है। फिर भावात्मक पक्ष का संबंध जो है इन क्षेत्रों से होता है। आगे बात करें तो ब्लूम का कहना है कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में जो भावात्मक पक्ष है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो ब्लूम जो है उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में जो है वो भावात्मक पक्ष को जो है वो अधिक बल दिया है। तो अब बात कर लेते हैं भावात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे हमने संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत छह जो पक्ष हैं उनकी बात की थी, इसी प्रकार भावात्मक पक्ष के अंतर्गत पांच पक्ष आते हैं उनकी बात करते हैं। तो भावात्मक उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा अर्जित उनकी भावनाओं के प्रदर्शन से संबंधित है, और भावात्मक पक्ष के जो है वो पांच चरण होते हैं। तो पहला है हमारा आग्रहण या ध्यान देना। तो इसको समझते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं वो अपने से जो छोटे होते हैं उनको दिशा निर्देश देते हैं, या कह सकते हैं जो अभिभावक होते हैं अपने जो बच्चे होते हैं उनको दिशा निर्देश देते हैं, उनको क्या सही है या क्या गलत है ये बताते हैं। इसी प्रकार जो शिक्षक होते हैं वो भी छात्रों को जो है वो सही दिशा निर्देश देते हैं। तो इसमें यानी कि आग्रहण या ध्यान देना में ये अध्ययन किया जाता है या ये देखा जाता है कि बालक अपने अभिभावक या शिक्षक द्वारा जो बताई गई बातें हैं उनको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आती हैं हमारी आग्रहण या ध्यान देना में। नाम में ही ध्यान देना है तो आप उससे जो है याद रख सकते हैं। दूसरा है हमारा अनुक्रिया। अनुक्रिया की बात करें तो उद्दीपन, आपने एक वर्ड सुना होगा स्टिमुलस जिसको कहते हैं, उसके प्रति संवेदनशील जो अनुक्रिया है तो इसमें प्रेरित करने पर जो है वो बल दिया जाता है। तो तीसरा है हमारा अनुमूल्यन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूइंग। इसकी बात करें तो विभिन्न वस्तुएं, कार्यों या व्यवहार के उपयोग के मूल्य को स्वीकार करने, या कह सकते हैं उसके प्रति एक निश्चित धारणा से जो है ये संबंधित होता है, अनुमूल्यन। बात करें चौथे यानी कि व्यवस्थापन की। व्यवस्थापन की बात करें तो इसमें एक से अधिक मूल्यों को जो है वो क्रम से जो है वो हम अध्ययन करते हैं, या कह सकते हैं एक से अधिक जब हमारे पास मूल्य होते हैं तो उनको किस प्रकार जो है हम क्रम से व्यवस्थित करें। नाम में व्यवस्थापन है तो उससे आप जो है वो इसको समझ सकते हैं। पांचवा है हमारा चारित्रीकरण। चारित्रीकरण की बात करें तो नाम में ही चरित्र है, तो यानी कि स्वभाव का निर्माण करना जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार जो है वो भावात्मक पक्ष के जो है वो पांच चरण होते हैं। आपको पांचों के नाम तो जो है वो जरूर याद होने चाहिए कि जो है ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने जो है वो किस प्रकार किया समझाइए। तो वहाँ पर जो है आपको ये पांचों नाम लिखने होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे प्रकार की। तो मूल्यांकन का तीसरा पक्ष है हमारा कौशलात्मक पक्ष। तो कौशलात्मक पक्ष नाम में ही कौशल है तो आप उसे समझ सकते हैं कि ये जो स्किल्स होती हैं उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं होता है। तो बात कर लेते हैं कौशलात्मक पक्ष की। तो इस क्षेत्र की टैक्सोनॉमी में शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों पर बल दिया जाता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कौशलात्मक पक्ष। इस क्षेत्र की टैक्सोनॉमी अभी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है। सिंपसन 1960 में और क्विलर 1970 इन्होंने जो है इस पक्ष को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया था।
ऊपर हमने नाम देखा था ब्लूम दोनों में था, और भावात्मक पक्ष में जो है वो ब्लू मार्वल था, यानी ब्लू मतलब ब्लूम, मार्वल से मासिया और वल से क्राथवल। इसी प्रकार कौशलात्मक पक्ष की बात करें तो कौशलात्मक पक्ष जो है उसका वर्गीकरण सिंपसन तथा क्विलर ने जो है वो किया था। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो आपसे सिंपल सा अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि किसी बच्चे में कोई कौशल है कि नहीं, तो यही आपकी ट्रिक है। मतलब हम आपसे एक क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, तो सिंपल सा से आप याद रखेंगे सिंपसन। एक कोई क्वेश्चन पूछे यानी कि क्विलर, क्वेश्चन से थोड़ा देखिए मिलता जुलता बन रहा है क्विलर, और किसी बच्चे में कौशल है कि नहीं तो कौशलात्मक पक्ष। तो आप अपने आप से जो है वो ट्रिक क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। मुझे जिस प्रकार याद है मैंने आपको वो बता दिया। बाकी ये है ट्रिक एक बार में याद नहीं होती, बार बार जो है आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में जो है वो स्वतः ही बैठ जाएगी। ट्रिक से याद करने में थोड़ा ये आसानी होती कि आपको जो चीज़ें याद है वो हमेशा के लिए याद हो जाती हैं अगर आपने ट्रिक को जो है वो सही तरीके से समझ लिया है। तो सिंपल सी भाषा में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किसी बच्चे में कौशल है कि नहीं है, तो आप याद रख सकते हैं सिंपल सी भाषा में यानी सिम्पसन, क्वेश्चन पूछे से क्विलर, और कौशल है कि नहीं कि कौशलात्मक पक्ष। तो इन दोनों ने जो है वो इस पक्ष को जो है वो वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया था। एक और चीज़ आपको बताएं तो कौशलात्मक जो पक्ष है इसी को जो है वो मनोक्रियात्मक पक्ष भी कहा जाता है। काफ़ी बार जो है वो मनोक्रियात्मक जो पक्ष है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया ये भी पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए। जिस प्रकार हमने पहले वाला जो हमने पढ़ा था संज्ञानात्मक पक्ष, उसमें भी नाम आपको बताया था, इसको ज्ञानात्मक पक्ष भी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी आपको नाम पता होना चाहिए। आगे बात करें तो मनोक्रियात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत वे समस्त शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिसका संबंध बालक के क्रियात्मक कौशलों से होता है। नाम में ही है कौशल, तो आप उससे क्लियर समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मनोक्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत जो 5 भागों में इसको बांटा गया है उसके बारे में। तो मनोक्रियात्मक पक्ष को निम्न 5 भागों में जो है वो वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? पहला है हमारा उत्तेजना या उद्दीपक, जिसे हम कहते हैं इम्पल्सन। तो इसके बारे में जानते हैं, तो क्रियात्मक पक्ष के इस स्तर में घटनाओं, वस्तुओं तथा कार्य के प्रति उत्तेजना लाई जाती है। कोई भी घटना हो या किसी वस्तु या कार्य के प्रति यदि आपके अंदर उत्तेजना आती है तो आप जो है उस कार्य को जो है रुचि पूर्वक जो है वो करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट लेकर करते हैं। आगे लिखा है कि जिससे बालक किसी क्रिया या निष्पादन का जो है वो अनुकरण कर सके, इस प्रकार के व्यवहार के लिए रुचि का होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपके अंदर रुचि नहीं होगी तब तक आपका उस वर्क में जो है वो मन नहीं लगेगा। तो पहला है हमारा उत्तेजना। दूसरे की बात करें तो दूसरा है कार्यवाही यानी कि मैनिपुलेशन। तो इसकी बात करें तो बालक उत्तेजना मिलने पर कोई एक गत्यात्मक क्रिया करता है। यहाँ वह विभिन्न मांसपेशी गतियों में विभेदन करने के साथ साथ अपने लिए उपयुक्त क्रियाओं का भी चुनाव करता है। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में बात किया कि हमने किसी बच्चे को जो है वो उत्तेजना तो उसके अंदर जागृत कर दी, पर उस उत्तेजना जागृत करने के बाद जाहिर सी बात है कोई बच्चा जो है वो उस उत्तेजना के प्रति या जिस कार्य के लिए आपने उसके अंदर जो है वो उत्तेजना लाई है, कहीं ना कहीं उसके प्रति वो कार्यवाही भी करेगा, या कह सकते हैं उसके प्रति वो कोई क्रिया भी करेगा। तो दूसरा हमारा हो जाएगा कार्यवाही, या कह सकते हैं बालक उत्तेजना मिलने पर एक गत्यात्मक क्रिया करता है। तीसरा है हमारा नियंत्रण, जिसे कहते हैं कंट्रोल। इसकी बात करें तो इस स्तर पर बालक अपने द्वारा की गई क्रियाओं को जो है वो नियंत्रित करता है। अब दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था कि वो कोई गत्यात्मक क्रिया कर रहा है, अब क्रिया करने के साथ साथ कहीं ना कहीं उस पर एक नियंत्रण भी होता है, तो तीसरा हमारा आ जाएगा नियंत्रण। तो देखिए सारे जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। आगे बात करें तो व्यक्ति फिर से किए हुए कार्य को करने में उस कार्य की शुद्धता, अनुपात तथा सही होने का भी ध्यान रखता है। अगर आप एक चीज कर चुके हैं और दोबारा फिर से वही कर रहे हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो पहले आपने गलतियां की हैं उनको जो है आप आगे सुधार लेते हैं, या कह सकते हैं उनमें शुद्धता या सही होने का जो रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है। बात करते हैं चौथे की यानी कि सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन। तो इसकी बात करें तो अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण के बाद जो है विभिन्न गतीय क्रियाओं के मध्य सामंजस्य क्रम यानी कि सिक्वेंस तथा एकरूपता हार्मनी बनाए रखता है। मतलब आपने एक चीज़ नोटिस की कि तीसरा हमारा था नियंत्रण, तो हमने कर लिया, पर नियंत्रण के साथ साथ जो आपस में सामंजस्य हम या कह सकते सीक्वेंस या एक रूपता भी जो है वो बनाए रखना जरूरी होता है। बात करते हैं लास्ट पॉइंट हमारा जो है स्वाभाविकरण।
नेचुरलाइजेशन। इसकी बात करें तो यहाँ कार्य की शैली इतनी स्वचालित हो जाती है कि कार्य अचेतन रूप में भी एक विशेष गति तथा ढंग से संपादित होने लगता है। जब आप किसी कार्य में जो है वो महारत हासिल कर लेते हैं, बहुत बार जो है वो कर लेते हैं, तो आपके अंदर जो है वो स्वाभाविकरण की भावना आ जाती है कि वो अपने आप जो है वो स्वयं होने लगता है। जैसे कि आप पानी पी रहे हैं या आप जैसे पलक झपका रहे हैं, तो जब आप डेली डेली वही चीज़ कर रहे हैं तो आपके अंदर एक नेचुरलाइजेशन या स्वाभाविकरण की क्षमता आ जाती है कि वो स्वयं से ही जो है वो एक विशेष गति तथा ढंग से जो है वो संपादित होने लगती है। जैसे कि पलकों का झपकाना है, आप एक बार झपकाते हैं तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है वो ध्यान दे रहे हैं, दोबारा जब एक बार वही बार बार आप चीज़ें रिपीट करने लगते हैं तो वो अपने आप होती हैं। जैसे कि आप स्टार्टिंग में बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस बाइक के सीखने के लिए अपने अंदर उत्तेजना जागृत करते हैं कि हमें वो क्यों सीखनी चाहिए, फिर उसके प्रति कार्यवाही करते हैं, मतलब हम सीखते हैं और उसके साथ साथ जो है वो नियंत्रण भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि फिर दिन रात सीखे जा रहे हैं, रात में भी 1-2 बजे भी सीखे जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है उसमें सामंजस्य बैठाते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं सही है, और लास्ट में जब आप सीख जाते हैं तो स्वाभाविकरण आ जाती है आपके अंदर भावना कि स्वतः ही जो है वो आप चलाने लगते हैं। जब आप 2-3 साल जो है वो बाइक चलाना सीख चुके होते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको कोई काम होता है तो आप नॉर्मली जैसे रोज़ बाइक चलाते हैं वैसे ही बाइक लेके चले जाते हैं, तो उसमें जो है आपके अंदर एक नेचुरलाइजेशन की भावना आ जाती है और आपसे जो कार्य है वो स्वचालित रूप से होता है और जो कार्य होता है वो एक विशेष गति तथा ढंग से जो है वो संपादित होने लगता है। तो इसी के साथ जो है हमारा मूल्यांकन के पक्ष जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।